नमस्ते। आज हम कक्षा छठी के हिंदी पाठ पुस्तक बसंत के पाठ 3 नादान दोस्त का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ में नादान दोस्त शीर्षक से इस पाठ के लेखक प्रेमचंद ने बहुत अच्छा चिड़िया के माध्यम से संदेश देने का प्रयत्न किया है। इस पाठ को जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक भाई बहन कैसे अपने घर में चिड़िया के अंडों के साथ में अपने कार्य के द्वारा वे चिड़िया के अंडे टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और उनको अपने किए कार्य पर पछतावा भी होता है। इस पाठ के द्वारा हमें उनकी नादान दोस्ती के विषय में बहुत सी जानकारियां प्राप्त होंगी। केशव घर के कार्नेस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्नेस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थी, हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों भाई बहनों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। उन चिड़िया के जीवन के संबंध में अंडे कितने बड़े होंगे पहला प्रश्न है, फिर मन में विचार आता है किस रंग के होंगे दूसरा प्रश्न है, कितने होंगे अंडे ये तीसरा प्रश्न है, क्या खाते होंगे चौथा प्रश्न है, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे ये पांचवा प्रश्न है, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे उनके पैर कैसे निकलेंगे ये छठा प्रश्न है, घोंसला कैसा है सातवा प्रश्न है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ये स्वाभाविक रूप से भाई बहन के मन में, केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे आप बच्चे जब कोई चीज देखते हैं तो आपके मन में भी स्वाभाविक प्रश्न जागृत होते हैं, ऐसे ही स्वाभाविक प्रश्न केशव और श्यामा के मन में भी आ रहे हैं। न अम्मा को घर काम धंधों की फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं भी पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। इस प्रसंग में बच्चों हम देख रहे हैं कि दोनों भाई बहन केशव और श्यामा के मन में प्रश्न आ रहे हैं कि दोनों बच्चों की जिज्ञासा जानने की इच्छा दिन दिन बढ़ती जा रही है और अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठते हैं। बड़े अधीर माने व्याकुल, बड़े बेचैन हो जाते हैं कि अब चिड़िया के अंडे देखेंगे, अब फिर अंडे देखने का अवसर मिलेगा। और उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। अब अंडे हैं तो अंडे से बच्चे कैसे निकलेंगे और आप बच्चे वास्तव में निकल आए होंगे, ये बच्चों के मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा रहती है, जानने की लालसा रहती है, इच्छा रहती है। ऐसा ही उन दोनों भाई बहनों के मन में था। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उनके सामने था कि चिड़िया ने बच्चे तो दे दिए, बच्चे बड़े छोटे हैं, असहाय हैं। जैसे हमारे घर में हमारी माँ
हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करती है तो उन बच्चों की भोजन की व्यवस्था क्या होगी? चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। ये मन में एक स्वाभाविक प्रश्न है कि चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी और बच्चों को भरपेट भोजन मिलेगा कि नहीं, और ये गरीब बच्चे भूख से चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों भाई बहन बड़े व्याकुल हो गए। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। जो कार्निस पर जहाँ ये अंडे हैं, इस कार्निस पर जहाँ अंडे हैं, इस अंडे पर कुछ खाने का सामान रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा, न फिर चिड़िया को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्यों उसे यहीं पर भोजन प्राप्त हो जाएगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? अब उनको ये चिंता हो गई कि भोजन तो मिलेगा, हम दे देंगे, लेकिन चिड़ियों जैसे हमें धूप लगती है ऐसे बच्चों को भी धूप सताएगी। तो अगली चिंता वो करते हैं। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है, उनको प्यास भी लगती होगी, छाया भी नहीं है। ये स्वाभाविक प्रश्न दोनों भाई बहनों के मन में उठ रहे हैं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब दोनों भाई बहनों ने, प्रिय बच्चों, ये निश्चय किया कि इन चिड़िया के छोटे प्यारे बच्चों की जीवन की रक्षा के लिए एक तो उनके सामने पानी रखा जाए और एक छाया की जाए जिससे उनको धूप न लगे। और दोनों भाइयों ने ये निश्चय कर लिया कि आप एक प्याली में थोड़े से चावल रखेंगे और ऊपर कपड़े की एक छत बना देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। एक बहन ने चावल लिए और भाई ने पानी का प्रबंध कर लिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और वे छड़ियां खड़ी होंगी कैसे? अब ये छड़ियां कैसे खड़ी की जाए, एक नया प्रश्न के सामने आया, जहां बच्चों को छांव से बचाया जा सके उसके लिए अब वो ये चिंतन करने लगे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना आएगी? केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, कोई ऐसी उसका उपाय निकालेंगे जिससे टोकरी के अंदर जो सुराग है जहां से धूप आ सकती है उससे धूप से बचाने का उपाय भी मैं कोई निकालूंगा। और उन्होंने क्या उपाय निकाला? श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया, उस टोकरी में जहां छेद था वहां एक कागज लगा दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसलों पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। यहां तक बच्चों इस पाठ का एक भाग हमने देखा कि दोनों भाई बहनों ने अपने घर में कॉर्नेस पर चिड़िया के अंडों को देखा, उनके बचाने के उपाय सोच रहे हैं और उनसे धूप की रक्षा के लिए, उनके भोजन के लिए, पानी के लिए प्रबंध भी कर रहे हैं। और उसके बाद अगला प्रसंग क्या आता है, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही
मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। दोनों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथ से स्टूल पकड़े हुए थी। जैसे यहाँ श्यामा चित्र में देखो, स्टूल को दोनों हाथों से पकड़ी है और उसका भाई ये केशव ऊपर चढ़ गया है। स्टूल से चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। यह दोनों भाई बहन कार्निस पर चढ़ करके और उसके उपाय की रक्षा करें। भाई चढ़ा हुआ है ऊपर, बहन नीचे स्टूल पकड़े हुए है और बहन का ध्यान भी ऊपर जाता है तो स्टूल हिल जाता है। अब आप देखेंगे ये घर में एक भाई बहन होते हैं, उनमें आपस में कितना प्रेम होता है, किसी कार्य को कैसे करते हैं। और यहाँ पर बच्चों आपने एक बात देखी कि दोनों भाई बहन किस योजना की तरह से चिड़ियों के बच्चों की रक्षा के लिए साधन जुटाते हैं और ये माँ के सोने का इंतजार भी करते हैं। माँ जब सो जाती है तो चुपके से निकल करके आते हैं और अपने कार्य में लग जाते हैं। ये बच्चों की प्राणियों की जीवन की रक्षा के प्रतीक भाव है। ये करुणा का भाव हमारे जीवन में रहना ही चाहिए कि जब हमारे अंदर करुणा होती है तो हम दूसरे प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं। ये इस पाठ से हमें एक संदेश मिला है कि हम प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखें, किसी प्राणी को मारे नहीं। जीवन की रक्षा करना सबसे बड़ा महान कार्य है जो इस पाठ से हमें शिक्षा के रूप में प्राप्त हो रहा है। आगे क्या होता है, केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, उन पर तीन अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कई बच्चे हैं भैया? केशव, तीन अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े है। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब ये दोनों भाई बहन इस बात को नहीं जानते हैं, बहुत भोले हैं, छोटे बच्चे हैं। केशव ने देखा कि चिड़िया के अंडे तिनके पर ही रखे हैं, तो वो अंडों को उठा करके वहां रखना, उसके नीचे गद्दे बिछाना चाहते हैं। ये बच्चों का एक स्वाभाविक भोलापन है। वे बच्चे नहीं जानते हैं कि चिड़िया के अंडे जो है उनको छूना नहीं चाहिए, उनको हाथ से छूने से फिर वो चिड़िया उनको नहीं सजाएगी और फिर अंडे बच्चे नहीं निकलेंगे। इस बात का ज्ञान केशव को नहीं है, इसलिए वो ये प्रश्न करता है, केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी कई तह करके एक से ऐसे बना करके उसने गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं और तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगा भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिड़गिड़ा पड़ी
तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, रहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहां रख दी। इस प्रसंग में बच्चों हमने देखा कि बहन कहती है कि हमें अंडे देखने दो, लेकिन भाई कहता है कि अरे स्टूल मैं पकड़ तो लूंगा, लेकिन कभी हिल गई गिर गई तो माँ मुझे डांटेगी। ये इस बात में आप देखेंगे बच्चों, भाई बहन के बीच प्यार है और उसको ये डर भी है कि यदि मेरी बहन श्यामा गिर गई तो मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। और इधर चिड़िया आती है लेकिन अंडे पर नहीं बैठती है, और इस बात को वो बच्चे समझ नहीं पा रहे। आगे इस प्रसंग में हम समझेंगे। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर निकल आए। मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कहने दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झड़ने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। इसे दूसरे प्रसंग में बच्चों हमने देखा कि भाई बहन जब अंडों के रक्षा के कार्य को करे तभी माँ जग करके आ जाती है, और केशव के मन में बड़ा डर भी लगता है कि श्यामा सब कुछ न बता दे। लेकिन भाई बहन के बीच में जो एक प्रेम है, वो प्रेम का दृश्य हमने देखा कि माँ के सामने श्यामा ने भी कोई बात नहीं बताई, और दोनों को माँ ने प्यार से डांटा, कमरे में ले गई और दोनों भाई अब सो गए हैं। अब तीसरा दृश्य हम इस पाठ का देखेंगे। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खोले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा सी भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए, बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी।
माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बड़ा बना खड़ा रहा। माँ तू वहां पहुंचा कैसे? देखो ये दृश्य बच्चों, थोड़ा ऊपर करो, इस दृश्य में देख रहे हैं माँ सामने खड़ी है, इधर ये श्यामा है और उसका भाई केशव है, और जब ये अंडे टूटे हुए देखें तो श्यामा ने माँ से सब बात बता दी कि भैया ऊपर चढ़े थे, इन्होंने ही अंडे छुए थे, और लेकिन ये बात केशव जानता नहीं था कि मेरे अंडे छूने से ये अंडे नष्ट हो जाएंगे, इस कारण से माँ उनको समझा रही है। श्यामा चौकी पर स्टूल लगकर चढ़े, अम्मा जी। केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा तुम्ही ने तो कहा था। माँ तू इतना बड़ा हुआ तुझे अभी तक इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़ियों ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय तीन जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैं तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोक में उसने उनका सत्यानाश कर डाला, इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता तो दोनों चिड़िया वहां फिर कभी न दिखाई दी। इस पाठ के माध्यम से बच्चों हमने ये देखा कि माँ ने जब केशव को यह बात कही कि तुम्हारे अंडे छूने के कारण से ही चिड़िया अंडों को फिर नहीं सेजती और चिड़िया उन अंडों को छोड़कर के चली गई, तो केशव को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे कारण से ही ये तीनों अंडे और उनका जो तीन बच्चे हैं उनका जीवन समाप्त हो गया और इनकी मृत्यु का पाप मुझे लगेगा। तो इस पाठ का नाम जो नादान दोस्त कवि प्रेमचंद जी ने रखा, लेखक ने यहां यह समझाने का प्रयत्न किया कि अभी छठी कक्षा में ये पाठ क्यों रखा गया है। हर पाठ को रखने के पीछे कारण होता है बच्चों। छठी कक्षा में पढ़ने वाले आप बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, आप भी जीवन में कभी ऐसी गलती न कर दें। इस पाठ के द्वारा हमें एक संदेश मिलता है कि जिस विषय में हम नहीं जानते, घर के अंदर कोई ऐसी चीज आपके सामने होती है तो आप उस पर अपना निर्णय लेने से पहले या उस काम को करने से पहले अपने माता पिता से जरूर पूछिए, अपनी माँ से पूछिए, अपने पिता से पूछिए, घर में आपके दादा दादी उनसे पूछिए, घर में और लोग बड़े हैं उनसे बात करिए। अपने मन से ही कई बार हम निर्णय न लें जिससे कभी यार कोई हानि न हो जाए। यदि हम विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, विद्यालय में कोई ऐसी चीज आपको दिखाई देती है और वो चीज आपको उसके विषय में जानकारी नहीं है, तो अपने कक्षा अध्यापक से, अपने साथ के बड़े बच्चों से, विद्यालय में और जो अन्य अध्यापक हैं उनसे जरूर पूछना चाहिए। इस पाठ के द्वारा हमें एक संदेश मिला कि हमारे अंदर में प्राणियों की जीवन की रक्षा का भाव तो अच्छा है, केशव और श्यामा के मन में ही बहुत अच्छा भाव है कि हम प्राणियों के जीवन की रक्षा करें, अंडों को जीवन की रक्षा करें। केशव ने काम तो अच्छा किया लेकिन ना समझी के साथ किया और उसका फल बहुत बुरा हुआ, तो इसलिए इस पाठ का नाम लेखक प्रेमचंद ने नादान दोस्त रखा। ये दोस्ती नादानी की नहीं होनी चाहिए, समझदारी के साथ कार्य करें और समझदारी से कार्य करने से उसका फल भी अच्छा होता है। ऐसा इस पाठ का जो अभ्यास है वो मैंने अलग से आपको दे दिया है, आप इस पाठ को 2 से 3 बार रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ करके बार बार समझेंगे, और इस पाठ के जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो वहां से आपको मैंने अलग से पहले लिंक में भेज दी थी पुस्तक, वहां से इनके उत्तर अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए ध्यान से, और कहीं कोई कठिनाई आए तो आप मुझसे संपर्क कर लें और फिर मैं आपको समझा दूंगा, और अच्छी तरह से अपनी हिंदी की कॉपी में इन पाठों को पढ़ेंगे और उनका अभ्यास नोट करेंगे। धन्यवाद।